नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार जांगिड़ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है और कैसे हम एक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। डिटेल में वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 2016 में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पूरी की है। 2016 के बाद 3 साल तक मैंने एक प्राइवेट कंपनी में एज असिस्टेंट ब्रिज डिजाइन इंजीनियर जॉब की है, जिसमें NHAI PWD के ब्रिजेस के डिजाइनिंग के रिव्यू वर्क का मैंने काम किया है। और उसके बाद मैंने खुद की अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी है, YKPMC प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें अब मैं खुद का काम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन की और उसके बाद किस तरह से मैं काम में आगे बढ़ रहा हूँ। ये वीडियो आपसे शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है कि अपने आसपास कोई भी 10th का, 12th का या फिर किसी को भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो वो उसे दूर करे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बातें आपको बता सकूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सिविल इंजीनियर्स कौन होते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए देखा होगा, जैसे घरों के कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग्स का, ब्रिजेस का, ये जो डैम होते हैं, पानी के बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स होते हैं, या फिर जो नदी आपने देखी है, नदी के दोनों तरफ लाइनिंग्स होती हैं। लाइनिंग्स इन द सेंस नदी के रूट को मेंटेन करने के लिए साइड में जो दीवार बनाई जाती है उसको लाइनिंग्स कहते हैं। या फिर अपने आपके पास में, आपके मोहल्ले में भी कोई मोबाइल टावर होगा, या फिर इसके अलावा आपने बिजली के पोल्स तो देखे ही हैं, जगह जगह आपने ये खंभे देखे होंगे। आपको क्या लगता है इन सब का निर्माण कौन करता है? आपको ध्यान आ रहा होगा मजदूर करते हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इन सब चीजों का मजदूर जो होते हैं वो काम करते हैं, बेसिकली दोज आर जस्ट लेबर्स, बट उनको गाइड करने के लिए सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनका डिजाइन करने के लिए सिविल इंजीनियर्स होते हैं। और अगर आप और हाई लेवल पर जाओ तो बेसिकली हर तरह के इंजीनियर्स होते हैं। सिविल इंजीनियर्स के अंदर भी आगे कैटेगरीज होती हैं, लाइक स्ट्रक्चर में भी स्पेशलिस्ट होते हैं, लाइक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट, ब्रिज डिजाइन स्पेशलिस्ट। इसके अलावा मास्टर्स अगर आप करते हो तो उसके अंदर हाईवे इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, इस तरह से इसकी बहुत सारी, सिविल इंजीनियरिंग की भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो आप मान सकते हो कि एक बहुत वास्ट फील्ड है। हाँ, तो मैं एक बार वापस लौट कर आ जाता हूँ कि सिविल इंजीनियर्स कौन होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो आप आसपास जो कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखते हैं, दोस्तों इन सब का काम एक सिविल इंजीनियर करता है। अब हम बात करते हैं कि आप एक सिविल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर में बेसिकली 3 तरह की पढ़ाई होती है। पहली पढ़ाई हमारी डिप्लोमा, फिर उसके बाद आपकी बैचलर्स, और उसके बाद आप अगर स्पेशल कोर्सेज लाइक मास्टर्स करना चाहते हो तो मास्टर्स, एंड देन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर PhD देन ऑफकोर्स PhD इन सिविल इंजीनियरिंग। ये 4 तरह के कोर्सेज होते हैं जो भारत सरकार या फिर बाहर की यूनिवर्सिटीज किसी भी स्टूडेंट को ऑफर करती है। तो सबसे पहले डिप्लोमा जो है वो एकदम बेसिक लेवल का होता है। आप 10th क्लियर करते हैं, उसके बाद आप सिविल से डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा के अंदर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन की जो बेसिक नेसेसिटी है, आपको ग्राउंड पे जो काम करना है, डिप्लोमा करने के बाद आप क्या बन सकते हैं, एक सुपरवाइजर बन सकते हैं, एक फोरमैन बन सकते हैं, या फिर एक जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जूनियर इंजीनियर और बाकी जो इंजीनियर्स की कैटेगरीज है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। डिप्लोमा आप 10th के बाद कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दूं, डिप्लोमा के लिए आपको कोई स्पेशल एग्ज़ाम वगैरह पास करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट 10th का सर्टिफिकेट शो करना है और किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपको एडमिशन मिल जाएगा डिप्लोमा के लिए। इसके बाद आती है बैचलर्स की डिग्री। अगर आपने ऑलरेडी डिप्लोमा किया है तो आपको डायरेक्टली 2nd ईयर ऑफ द बैचलर्स आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये 4 साल का कोर्स होता है दोस्तों बैचलर्स का, बीटेक, इसको हम बीटेक भी बोलते हैं या फिर बीई भी बोलते हैं। बीटेक के एडमिशन के लिए बेसिकली दोस्त, अगर आप एक IIT या NIT से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको IIT JEE मेंस के एग्जाम क्लियर करनी होंगी, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम को क्लियर कीजिए, या फिर पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी है तो उसकी एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्लियर करना होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं खुद भी एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग और मास्टर्स कम्प्लीट की है। दोस्तों, इसी विषय में एक छोटी सी आपको ये भी बताना चाहूंगा,
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप चाहते हैं तो बिट्स पिलानी एक अच्छी कॉलेज है। इसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आती है। मैं आपको बताऊं ये इसलिए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एक वर्सेटाइल है, वहां पर आपको पूरी इंडिया से आए हुए बच्चे मिलेंगे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, एक इतना बड़ा ऑल ओवर इंडिया नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि वो वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है, आप अगर कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी आपका पूरा साथ देगी और वहां पर आप एक बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा एक और मैं डिटेल में अब बताना चाहूंगा कि दोस्तों 2014 में मैंने खुद मेटल बॉय का एक प्रोजेक्ट किया था, जिसकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। यह एक रियल प्रोजेक्ट था, 12 मारुति 800 कार्स को लेकर बनाया गया था। इसका पूरा फंड हमारी यूनिवर्सिटी ने दिया था। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों ये कितना फायदा होगा आपको अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स को या मास्टर्स को या फिर वो पीएचडी कोर्सेज भी ऑफर करते हैं आप वहां से करते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, लाइक एडवांस मैथ, केमिस्ट्री, साइंस, और इसके अलावा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे डिजाइनिंग, स्टील स्ट्रक्चर्स, इस तरह करके ये पूरा एक क्लस्टर होता है। बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सबको मिलाकर बीटेक बनती है। और फिर उसके बाद फाइनली जब आप बीटेक कर लेते हैं, आप बीटेक के बाद में डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। वर्क इन द सेंस आप कोई भी प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं और कहूँगा कि आपको एक्सपीरियंस इन द सेंस, आप अगर पढ़ाई करते करते अपने आप को इतना प्रिपेयर करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपनी पढ़ाई को कितना सीरियसली ले रहे हैं और प्रैक्टिकली कितना फोकस कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों प्रैक्टिकल बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड हैं। इसके अंदर अगर आप घर बनाना देखते हैं, चाहे आप ब्रिक्स में देखते हैं, ब्रिक्स के जो ज्वाइंट्स हैं वो ज्वाइंट्स आपको पता होने चाहिए, कंक्रीट सीमेंट का रेशियो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सीखना जरूरी है। जब आप इन दोनों को अच्छे से कर लेते हैं, तभी आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है एक बहुत ही अच्छी सिविल की लैब, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स की, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की, हाईवे की, जियोटेक की, आपको हर तरह की लैब्स वहां पर मिलेगी, हर तरह के टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आपको मिलेंगे, सर्वे की आपको पूरी लैब मिलेगी, जहां पर थियोडोलाइट से लेकर टोटल स्टेशन तक ईच एंड एवरी कंपोनेंट यू विल गेट इन द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसीलिए दोस्तों मैं भी यह चाहूंगा कि अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो आप अपनी पहली प्रेफरेंस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को देना, क्योंकि वो है एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म आपको देती है, जहां पर आप अपने करियर को, अपने अंदर की ताकतों को पहचान सकते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में भी सिविल इंजीनियरिंग का एक अच्छा खासा स्कोप है। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इन दोनों की वैकेंसीज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल ओवर इंडिया लेवल पर भी निकलती है। सिविल इंजीनियरिंग में टॉप क्लास का कोई एग्जाम है तो वो है IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। अगर आप IES का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पर जाते हैं। इन लेवल्स का मैं आपको थोड़ा बता दूं कि सबसे नीचे आता है जूनियर इंजीनियर, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, देन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। इस तरह से दोस्तों आप इन पोस्ट पे, इनके अलग अलग पे लेवल्स होते हैं और आप इन पे लग सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर, हाईवे इंजीनियर, एनवायरमेंट इंजीनियर, जियोटेक इंजीनियर। इन सब के बारे में डिटेल में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, सिविल इंजीनियर की एक बहुत ही बड़ी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि दोस्तों वो बनाते हैं घर, ब्रिजेस, टावर्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो उनको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना होता है और वो होता है सेफ्टी का। जी हाँ दोस्तों, उनके ऊपर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी डिपेंड करती है। इसीलिए जितने भी मेरे सिविल इंजीनियर्स भाई हैं, उन सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्रोफेशन को बहुत ही सीरियसली लें और
अच्छे से दिल से मेहनत करके वो काम पूरा करें। धन्यवाद दोस्तों। और जैसा कि आपने देखा कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको पूरा इस वीडियो में बताया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए जिसको ज़रूरत है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, वो सिविल इंजीनियर बनना चाहता हो, बीटेक किस तरह से की जाती है, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे। और कोरोना वायरस का टाइम है तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।